क़िबला बाबा जी पर 1400 एफआईआर दी। बोलो सुभान अल्लाह। हम बोले एफआईआरों पर सुभान अल्लाह, मैंने कहा बाबे ने बताया है 1400 एफआईआर है। कहा हजरत खत्मे नबूवत का टॉपिक है, बाबा जी को बयान कर रहे हो। मैंने कहा बाबा जी का एक रिसाला है जो बाबा जी के अपने इदारे से सालों से शाया होता था, उस रिसाले का नाम बाबे ने रखा था आकिब अल आकिब, वही आकिब जो अभी हदीस बयान की, अन आकिब अल्लज़ी लैसा बादहू नबिय्या। सरकार फरमाते हैं मैं वो आकिब हूं जिसके बाद कोई नबी नहीं है। तो क़िबला अमीर मुजाहिदीन ने खत्मे नबूवत पे जो काम किया वो किसी ने किया थोड़ी है। 5 साल उस बंदे ने उस मरी हुई कौम को जगा करके रख दिया, जिंदा कर दिया इस कौम को। मैं यह अर्ज कर रहा 1400 एफआईआर है बाबा जी पे। होय 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 होय, आज एक एफआईआर कटे ना हालत पतली, रातों की नींदें उड़ जाती है भाई, और हमारी अदालतों के चक्कर चप्पलें खिस जाती हैं। क़िबला बाबा जी पे 1400 एफआईआर है। जब विसाल का वक्त आया ना, वसीयत की ये सारी एफआईआर लपेट के मेरे साथ कफन में डाल देना। ओए होए होए, कब्र में डाल देना। बाबे लोग कब्र जाते हैं कहते एहदनामा रखना, नालैन पाक रखना, शजरा रखना, एहदनामा रखना, तो मदीने पाक की खजूरों की गुठलियां रखना, हुजूर के मुंह, ये क्या कर रहे हो? ये दुनियावी कागजात, ये एफआईआर, ये कागजात। क़िबला बाबा जी ने फरमाया कब्र में डालना। बाबे के विसाल के बाद इदारे आए क़िबला साद भाई के पास, कहते हैं वो सारे पेपर्स दे दें, हम केस खत्म कर रहे हैं, हम केस, बंदे का इंतकाल हो गया, हम केस खत्म कर रहे हैं। कहा वो केस खत्म नहीं होगा। ओए ओए ओए, यही तो असल बात थी, केस खत्म नहीं होगा। कहा फिर? कहा बाबा अपने साथ कब्र में ले गया, अब हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। बारगाह मुस्तफा में ये एफआईआर खुलेंगी, फिर बताया जाएगा एक व्हील चेयर पर बैठने वाले पर जुल्म कैसा किया था तुमने, एक बाबे को पैर से माजूर शख्स को उठा उठा करके फेंका था। बाबा कहता है मुझ पर जेल में रातों में वो तशद्दुद हुए हैं, अगर एक रात का तशद्दुद इन मुल्क लूटने वालों पर कर दिया जाए ना, ये मुल्क का सारा पैसा वापस कर दो। अल्लाह ही जाने क्या हुआ। क़िबला बाबा जी फरमाते थे ये एक राज है जो मेरे और मेरे महबूब के दरमियान में, ये कयामत को पता लगेगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम पर करम करेंगे। और वो फरमाया ना हम सूए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफला होकर रहा काफले सारार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ।